डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से जो सीए एक काला कानून जो आकर है उसके लिए हम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में चन्नम्मा सर्कल से लेकर अभी तक डीसी कंपाउंड तक का हमारा प्रोटेस्ट कर हम आ चुके हैं। हमारा एक यही एजेंडा है कि जो भी काला कानून आकर है सीए, ये सीए बहुत बड़ी बात नहीं है। सीए जैसे सिटीजन अपॉइंटमेंट एक्ट 2019 में लाया गया था, उस वक्त से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह है कि उसमें बहुत सारे अवाम पब्लिक मिलकर जामिया मिल्लिया जैसे स्टूडेंट्स मिलकर उसको क्या है एक जद्दोजहद से लेकर पूरे अवाम सड़कों पे उतरकर नेशनल वाइज प्रोटेस्ट किए थे। उसके दरमियान में कोविड आने की वजह से ए सी ए जो एक्ट है 2019 में मोदी गवर्नमेंट राज्यसभा और लोकसभा में इम्प्लीमेंट के तौर पर एक्ट बनाकर इसे लेके आए थे। ये सी ए इम्प्लीमेंट का जो ये है ये जो अभी हाल ही में 12 मार्च को गैजेट के जरिए ऑडियंस के जरिए यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये फॉर्म करती है। 2019 में जब ये मोदी गवर्नमेंट जब अनाउंस की थी उस वक्त रूल्स फाइल नहीं की थी, इस वक्त उसके रूल्स गैजेट के जरिए ऑडियंस के जरिए पास कर अवाम के इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहती है। ये जो गैर कानूनी कानून है, ये जो प्रजासत्ता के वजह एक गैर कानूनी जिम्मेदार कानून है, इस कानून को हम पीछे लेने की डिमांड करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज एहतजाज कर रही है। मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ, आवाम से कहना चाहता हूँ कि ये जो एन आर सी ए यही एजेंडा एक मुद्दा नहीं है, सी ए जैसे और भी कई काले कानून है, एन पी आर है, एन आर सी ए, ये सबसे पहला स्टेप जो है वो एन पी सी ए है, सी ए के बाद में एन पी आर आएगा, एन पी आर के बाद में एन आर सी आएगा। ये एक को एक रिलेटेड करके यहाँ के सिटीजनशिप को, मुसलमानों के सिटीजनशिप को, इकोनॉमिकली यहाँ के दलितों को, एस सी एस टी के आदिवासियों को, सीनियर सिटीजन को खत्म करने का, यहाँ का वोटिंग पावर खत्म करने का एक एजेंडा है। ये एजेंडा लाने का मकसद क्या है, एम पी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट एमपी इलेक्शंस को सामने रखते हुए, यानी कि कल दोपहर के बाद जो एमपी इलेक्शंस का बॉन्डिंग होने वाला है, एमपी इलेक्शंस के बारे में अनाउंसिंग होने वाली है कि कब से इलेक्शन होगा, कब नॉमिनेशन होगा, उसके दरमियान में ही जैसे ही हमारा रमजान चल होता है, रमजान का महीना चल होता है, यहाँ की कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट का है सीएए बोलकर एक्ट लेकर आकर ऑडियंस के जरिए से पास करती है। ये कहाँ पास हुआ, ये कौन सी बिल में पास हुआ, ये 2019 से अब तक कहाँ था। एक गवर्नमेंट को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए हिंदू मुस्लिम कराने का, ये मुद्दे के जरिए से क्या हिंदू मुस्लिम के वोट बटवा कर ये सत्ता हासिल करना चाहती है। उसी के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन का भी एक रूल्स लेकर आकर है। उसी में हाल ही में देखे तो जो गवर्नमेंट आकर है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, उसके काम देखना चाहिए, वो क्या काम कर रही है, यहाँ पे हम लोगों को कितना एजुकेशन मिल रहा है, यहाँ पे लोगों की कितनी बेरोजगारी है, यहाँ पे किसान रोडों पे सड़क पे आकर आत्महत्या कर रहे हैं, वो इशू पे बात नहीं करेगी। हिंदू मुस्लिम का, मस्जिद का, इसका उसका इशू लेके आकर हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर वोट हासिल करने का ये कर रही है। ऐसे ही देखा जाए तो सीएए पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी एक एक सीएम है, केरला के सीएम लेकर चलो, तमिलनाडु के सीएम लेकर चलो, ममता बनर्जी वहाँ पे लेकर चलो, अभी तक उन्होंने सीधा स्टेटमेंट देकर है कि हम जहाँ जहाँ पे स्टेट हमारे स्टेट में हमें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों के 92% वोट लेकर सत्ता में आने के बावजूद भी अभी तक मुंह से एक लफ्ज भी बोलकर नहीं है। उसी के साथ साथ
मुस्लिम MLAs भी उसके अंदर है, अभी तक उनके आंच के ऊपर आने के बाद भी अभी भी मुंह खोल कर नहीं है। मैं मुस्लिम MLAs से यहाँ की कांग्रेस से मैं अजीजाना गुजारिश करता हूँ, ये जो बिल आई है आपका जो अपोजिशन बोलकर आप कहलाने के लायक ही नहीं हो, बीजेपी के अगेंस्ट आप अपोजिशन का रोल नहीं निभा रहे। मैं आज आपके पास से अजीजाना गुजारिश करता हूँ, आपसे नहीं हो रहा तो कुर्सी खाली करो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में लड़ने के लिए गली से लेकर दिल्ली तक सरकार संभालने के लिए और SDP के हर एक कैडर के अंदर वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून, वो डेमोक्रेसी, वो संविधान, रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर हर एक के उसके अंदर नॉलेज है, इकोनॉमिक है। मैं इसी को बात कहते हुए आज हमारे आए हुए आवाम से मैं अजीजाना गुजारिश करता हूँ, ये CAA मुद्दा, ये NPR मुद्दा, ये NCR मुद्दा, ये सिर्फ एक पार्टी का या एक NGO का एक अदारे का नहीं है, ये पूरे के पूरे यहाँ का प्रजासत्ताक का और यहाँ की डेमोक्रेसी का मुद्दा है। यहाँ आवाम को, हर एक आवाम को, जिस तरह 2019 के वक्त में जिस तरह पब्लिक सड़कों में आकर एहतजाज करी थी, इस कालूल की हनीफ के मुकाबलत करी थी, मैं उनसे आज अजीजाना गुजारिश करता हूँ कि और एक वक्त आएगा आपको इसके लिए अजीजाना गुजारिश करके रस्तों में जद्दोजहद करना पड़ेगा। इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, यहाँ का हर एक नागरिक इस काले कानून के लिए जद्दोजहद करेगा। संविधान के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस करते हुए, यहाँ की पूरी मार्य मर्यादा का संभाल करते हुए, यहाँ से पूरे एक आवाम को, या दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह मोदी जी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो भी काला कानून आप लाकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करते एच्चर के नहीं मुंदे बर निम्द ग्यारंटी इला निम्ह तगद बैसते आते इंडिया नेशनल गवर्नमेंट इंद ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸಯ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಬಸಯ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರ ಒಡೆದ್ ಹಾಕಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಐದು ಮುಸ್ಲಿಂ 92% ವೋಟ್ ಇಕ್ಕಿತ್ತ ಹಾಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು NDA ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರಾಗಿ आप सब लोग एक अच्छे से अपोजिशन का रोल निभाइए, नहीं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये जो काले कानून के हिसाब से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर है, जब तक इसके ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जिस तरह किसान एक हाल ही में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, बस ड्राइवर कंडक्टर जहाँ पर उनका एक काला कानून लाया गया था, वो जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी तरह हम भी प्रोटेस्ट कर इस काले कानून को पीछे लेने के लिए आगाह करते हैं और पीछे लेकर रहेंगे। मैं इसी बात को कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। जानिब से पूरे नेशनल वाइज में हमारे प्रोटेस्ट चल लेकर है, उसी के साथ साथ हमारे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे कर्नाटक की रियासत में भी प्रोटेस्ट चल लेकर है। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में पुलिस, हमारे पुलिस इलाके के डिपार्टमेंट जो है, हमने पहले हाल ही में परमिशन देकर खानापुर और बेलगाम सिटी में परमिशन दी थी। ऐन वक्त पर हमको फ़ोन लगाकर बोलते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं करना, हम उनके लॉ एंड ऑर्डर्स का मेंटेनेंस करते हैं। एक वक्त में अगर अनाउंस करके पब्लिक को मैसेज देकर उस वक्त बोलते हैं कैंसिल करना, ये कभी भी नहीं हो सकता। आइंदा पुलिस डिपार्टमेंट में इस बात का ख्याल रखे कि जिस वक्त आप परमिशन देते हैं, इंटीमेशन एक्सेप्ट करते हैं, इमीडिएटली फ़ोन लगाकर प्रोटेस्ट कैंसिल करो। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हाल ही में अभी आपको बताता हूँ कि कल से अगर इलेक्शंस का अगर परेड मुद्दा अगर अनाउंस हो गया तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से कहीं भी नहीं होगा। आवाम के साथ जुड़कर, आवाम को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे डिस्ट्रिक्ट में 18 के 18 असेंबली में प्रतिभटना घोषणे ये सब करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट पूरे हमारे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट की, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को एक अजीजाना रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जो भी हमारे कैडर्स आपके पास इंटीमेशन लेकर आएंगे, उनकी इंटीमेशन एक्सेप्ट कर उनको करने की और फेसफुली सिक्योरिटी के साथ उनको करने की मैं एक अजीजाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको करने के लिए सहमति दे। नहीं दिया जाएगा तो आपका हम नहीं सुनते हो, यह प्रजासत्ता का एक कम्युनल इशू नहीं है, ये उनके यहाँ पे रहने का इशू है, उनके यहाँ की मान मर्यादा का इशू है, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस वक्त ये बिल पास हुआ था 12 तारीख को, हम इसलिए कर्नाटक में खामोश रहे, जिस तरह जामिया मिल्लिया के जैसा ही मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि CAA इम्प्लीमेंट होगा बोलकर, उस वक्त ही जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट केरला के SDPI की पूरी पार्टी, तमिलनाडु के SDPI पार्टी बिना इंटीमेशन, बिना परमिशन के रस्तों पे सड़क पे उतर आई है। मैं हम यहाँ पे कर्नाटक के अंदर, खास करके बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा डिपार्टमेंट के साथ अच्छा लगाव रहने में, डिपार्टमेंट को परमिशन लेके करने की वजह से, डिपार्टमेंट हमने एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से आज मैं डिपार्टमेंट को वही दिखा के दिया हूँ कि आपके पास हम परमिशन लेने के लिए आए थे, आप एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से हम कर रहे। यही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आइंदा हालात में आपके पास इंटीमेशन के जरिए, परमिशन के जरिए आएगी, आप एक्सेप्ट करना हो तो कर हम करेंगे, आप नहीं करेंगे तो वह हमारा हक है, हमने डेमोक्रेसी इजाजत देती है, हमें संविधान इजाजत देता है अपने हुकूक को बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज जैसा कि SDPI के लोगों ने एहतजाज किया है,
हम भी उनको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं। तो सेंट्रल में बैठी हुई सरकार एक कम्युनिटी को टारगेट बना करके सीएए का कानून जारी किया है, इसीलिए हमें उनका विरोध के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। और एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके माइनॉरिटीज़ को टारगेट बनाना, ये उनकी एक सियासी प्रोग्राम है। और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में इनको कामयाब होने नहीं देंगे। और सीए कानून क्यों बना रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे कनेक्टिंग जो है एनआरसी कनेक्ट है, ये हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए आज विरोध कर रहे हैं, हमें दिखाना है सरकार को कि इसके खिलाफ लोग हैं। और इतने लोग 25 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में जो है विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद और भी कम्युनिटीज विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को हमारी बात सुनना चाहिए। ऐसे बेकार के कानून न लगाए, हमारी जो है सरकार से विनती है। रस्ते में तकलीफ ना दे जाने वाली पब्लिक।